हम पे जो भी कुछ है सब उसी ने दे रखा है हमको, वही तो देता है। एक व्यक्ति ने कहा, गॉड गेव मी नथिंग व्हाट आई वांटेड, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया जो मैं उनसे मांगता था। आई एग्री विद यू, गॉड गेव यू नथिंग व्हाट यू वांटेड बट गॉड गेव यू एवरीथिंग व्हाट यू नीडेड। मान सकता हूं कि भगवान ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरे भगवान ने वो सब दिया है जिसकी तुझे जरूरत है। दिया है कि नहीं, दिया है कि नहीं? तन पे कपड़े जरूर हैं तेरे, ब्रांडेड नहीं हो ये हो सकता है। भोजन जरूर करता है तू दो समय, हो सकता है तेरी प्लेट में तीन सब्जी ना हो, चटनी के साथ ही करता हो। हो सकता है तेरे पास बहुत बड़ा हाउस ना हो, किराए का ही घर हो, लेकिन किराए की छत तो है, छत नहीं तो छप्पर है, छप्पर नहीं तो तिरपाल है, कुछ तो है। तू ये नहीं कह सकता कुछ नहीं दिया। और भगवान ने जो सबसे प्यारा तुझको दिया है वो है मानव जन्म, जिसके बाद तू कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हार्ड वर्क करोगे तो संसार के भोग भी तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं, और उससे भी हार्ड वर्क करोगे तो ठाकुर भी तुम्हें प्राप्त हो सकता है, गोविंद। एक जगह पर एक संत ने लिखा, बहुत बड़ी बात, दो लोगों के गले में पत्थर बांध के डुबा के मार देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने कहा है, उसी के ऊपर ध्यान देना, मेरे ऊपर नहीं प्लीज। दो लोगों को पत्थर बांध के उनके गले में नदी में डुबा देना चाहिए। कौन लोग हैं वो दो? एक तो वो भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है और फिर भी भजन नहीं करता भगवान का, पिछले जन्म में न जाने कौन से कर्म करके आया होगा जिसकी वजह से ये इस जन्म में भिखारी बना, और भिखारी बनने के बाद भी इस जन्म को सुंदर नहीं बना रहा है, भजन नहीं कर रहा है। अब भिखारी को दान पुण्य तो कर नहीं सकता, तो कम से कम भजन ही कर बैठा बैठा। ये जन्म जैसा जाए जाए, कम से कम अगला जन्म तो सुधरे, ये हाथ में है कि नहीं उसके में? तो वो भिखारी जो कि जिसके पास कुछ नहीं है और उसके बावजूद भी वो भजन नहीं करता है, तो उसे पत्थर बांध के नदी में डुबा देना चाहिए। अरे बोले महाराज डुबा क्यों रहे? बोले इसलिए डुबा देना चाहिए, जितने दिन जिंदा रहेगा उतने ही पाप करता रहेगा, और जितना पाप करेगा उतना ही अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा इसका, उसको डुबा के मार देना चाहिए। पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आया है जिसकी वजह से इस जन्म में उसको कुछ नहीं मिला। और दूसरा व्यक्ति, बोले दूसरा व्यक्ति वो धनवान को डुबा के मार दो कि भगवान ने जिसके पास अपार संपत्ति दे रखी हो और इसके बाद भी वो धर्म और अपने कल्याण के मार्ग पर न चलता हो, ऐसे व्यक्ति को भी डुबा के मार देना चाहिए। बोले उस व्यक्ति को क्यों, धनवान को क्यों डुबा के मारना चाहिए? बोले पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आया जिसकी वजह से इस व्यक्ति को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन इस जन्म में धन संपत्ति पाने के बाद ये व्यक्ति विषयी हो गया। हमारे संत एक बात कहते हैं, क्या कहते बताऊं क्या है? योगेश्वरी सुराजेश्वरी, जो योग की सीमा को पार कर जाए और वो पूरी ना हो पाए, ईश्वर तक ना पहुंच पाए, तो योगेश्वरी सुराजेश्वरी, उन्हें राज्य प्राप्त होता है, उन्हें यश वैभव प्राप्त हो जाता है। योग पूर्व उस मंजिल तक नहीं पहुंचे मुक्ति तक, लेकिन योग बहुत किया तो उन्हें भगवान राजभोग भोगवाते हैं कि लो जी राजभोग भोगो। योगेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अगर भगवान तुम्हें ऐश्वर्य वैभव राज दे दे, इसका मतलब है अब नरक में जाना कंफर्म। अब नरक में क्यों जाना? बोले भोगों को भोगने में लग जाओगे तो कल्याण की चिंता छूट जाएगी, और चिंता कल्याण की छूटी और तुम नरक में गए। तो उस धनवान को डुबा के मार देना चाहिए जो धनवान होने के बाद भी
धर्म और कल्याण के मार्ग को छोड़कर सिर्फ भोगों में ही लगा रहता है। अब भोग आप कहेंगे क्या, बोले अच्छा अच्छा खाने में लगा रहता है, अच्छा अच्छा पहनने में लगा रहता है, रोज मदिरा पान करता है, रोज मीठ खाता है। अच्छा धनवान की ये और चीज है, धनवान बोलूं कि नहीं? धनवान में तीन गुण अपने आप आ जाते हैं, जैसे धन आया तीन गुण आ जाते हैं। एक तो वो खाना पीना उसका बिगड़ जाता है, खाना पीना जहां मिल जाए जैसा मिल जाए सब में खा जाता है वो, पशुओं को खा जाता है, मरे मराए को, इंसान की तो बात छोड़ो, मरे मराए में जाके मुंह गाड़ देता है, जो खुद ही मरा पड़ा उसको खा गया ये कितना मरा हुआ बताओ, है ना? तो एक तो वो उसका खान पान बिगड़ जाता है, मदिरा वगैरह सब उसके यहाँ आ जाती है, वेश्या गबन शुरू हो जाता है, जुआ भी खेलने लग जाता है, और पराए व्यक्ति का भोग करना चाहता है, स्त्री हो या पुरुष, ये धनवान की स्थिति होती है। किसकी? जिसके घर में अच्छी लक्ष्मी ना आए।